हेलो स्टूडेंट्स, तो आप हमने जो है मिशन यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट कर दिया है और मिशन यूनिवर्सिटी का ये सीरीज फर्स्ट है जिसके अंदर आज फाइनली जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। तो आज अपन बात करते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कितनी फीस लगनी है, कट ऑफ क्या रहेगी, एडमिशन कैसे होगा। देखिए, देख लेते हैं सारा प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, अभी जस्ट बहुत सारी क्वारी जा रही थी कि भैया सर्वर वर्क नहीं कर रहा है और डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, तो देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको एक बहुत अपना सुंदर सा फोटो लगाना है। ठीक है, अपना सुंदर सा फोटो लगाने के बाद अपना जो भी है इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, अपना सुंदर सा फोटो, अपने बहुत अच्छे मार्क्स की जो मार्कशीट है 10th की, और अपने जो बहुत अच्छे मार्क्स की 12th की मार्कशीट है। फिर आप, अगर आप ग्रेजुएशन, अगर आप जो पीजी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, और जो भी आपकी 12th की या ग्रेजुएट डिग्री है वो, आपका स्कूल का जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो। आप सभी को पहले बता दूं कि अगर आपकी 12th पास हुई है या फिर आपने अभी कॉलेज किया है तो आप अपने कॉलेज या स्कूल से कॉन्टेक्ट करके अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अपनी जो भी मार्कशीट है उसको जैसे फिजिकली कॉलेज से अड्रॉप कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी जा रही थी कि भैया जस्ट हमने जो है एडमिशन तो यहाँ पे हो चुका है, कॉलेज वाले स्कूल वाले बोल रहे हैं कि आज हमारे पास फैकल्टी नहीं है, आप कल आइए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट आज है फिजिकली, अब क्या करें। तो इन सब से बचने के लिए आप जल्द से जल्द अपने स्कूल या कॉलेज से कांटेक्ट करें, उनसे माइग्रेशन जो अपनी मार्कशीट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो जस्ट ले लें। और ऐसा भी बहुत सारे बच्चों का इश्यू होता है कि फीस वगैरह पे नहीं करने की वजह से उनको ये सब नहीं मिलता। अगर आप जस्ट ये आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और अगर आप जस्ट ये PWD वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आपका जस्ट ये भी अवेलेबल होना चाहिए। ओके गाइस, और आपको जो भी, आप अगर आप PWD वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये होना चाहिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए सर्टिफिकेट दिया गया है और सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ वार्ड ऑफ डिफेंस कैटेगरी एप्लीकेबल। ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर्म इन दिस केस ऑफ नॉन सबमिशन एनी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट प्लीज अपलोड स्कैन हैंड रिटन अंडरटेकिंग ऑन प्लेन पेपर। इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, उसका फॉर्मेट, उसके अंदर सिग्नेचर वगैरह अवेलेबल नहीं है, या फिर आपका वर्किंग चल रहा है अभी बना नहीं है, 1-2 दिन के अंदर बन जाएगा, तो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट दिया गया उसको अपने हैंड रिटन लिखे अपने पेरेंट्स के, अपने सिग्नेचर वगैरह करके जैसे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आप जैसे फिजिकली कॉलेज या जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके उस कंसर्न करके वहां पर आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप इलिजिबल है, तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या फिर आपकी कास्ट चेंज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपने हैंड रिटन से कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब आगे का प्रोसेस देखते हैं कि इसका अंदर रजिस्टर कैसे करना है। तो जस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नोटिस वगैरह चल रहा है यहाँ पे। ओके, देखिए आप यहाँ पे यूजी नोटिस आ गया, ये रहा यूजी एंड पीजी एडमिशन 2021। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो फिर से एक नया विंडो ओपन होता है, जैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, दिस इज 2 नवंबर लास्ट डेट अप टू 12 PM। ओके, 2 नवंबर को लास्ट डेट है इसका और 22 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो जस्ट इसका एडमिशन प्रोसेस, गाइडलाइन, प्रोस्पेक्टस जस्ट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अपन देख लेते हैं क्या सीन है इसका। ठीक है, एंड दिस इज प्रेजेंट, हम अभी जस्ट सर्वर इश्यू चल रहा है और तो स्टूडेंट्स जस्ट जो है इसने अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने। तो देखते हैं यार इसका क्या सीन है, भी अपने सुंदर सुंदर फोटोज लगाए हैं यूनिवर्सिटी के, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कैंपस है इसका, वंडरफुल, और उतना खास नहीं है। अब अपन चलते हैं अपने मेन एम की ओर, अपना एडमिशन कैसे करना है। तो जैसे आप जो ऑप्शन शो हो रहा है आपको एडमिशन के लिए अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं फिर से अपन जिस विंडो पे थे उस पर चले जाएंगे अभी। तो आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, ओके, तो जस्ट आप आ जाते हैं इस पोर्टल पे। तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको जस्ट न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे
जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, आपको जैसे ये मांगता है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे आप डालने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपको जैसे ये अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड कॉपी कर लेना है, ठीक है। और जैसे आपने यहाँ पे कॉपी किया, इसने कहा कि मैंने आपको जस्ट अपनी आपकी जो भी है उसके ऊपर मैंने एक पासवर्ड सेंड किया है ईमेल आईडी पे, तो जस्ट मैं अपनी ईमेल चेक कर लेता हूँ अभी, ठीक है। तो लेट्स ए मिनट, आई एम गोइंग टू शो यू जस्ट माय जीमेल। ओके, दिस इज माय जीमेल, देन माय क्लिक इट, ओपन द मेल। गाइस, आप अपने स्पैम फोल्डर, जो स्पैम फोल्डर होता है, और जो भी अपनी जो है प्रमोशन में चेक करें, ठीक है। गाइस, तो मैंने अपना जो भी ये फिल कर लिया, मैं रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको जस्ट यहाँ पे अपनी जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड के अंदर अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल के लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जस्ट ये आप लोगों के पास ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब इसको फिल करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं फिल करता हूँ इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने सारा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म पूरा का पूरा फिल कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो नाम, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है आप इसको बिना सेव किए नेक्स्ट पे नहीं जा सकते, तो पहले मेरे को इसको सेव करना पड़ेगा। तो जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, ये सेव होता है। सेव होने के बाद मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। ओके, सेव होने के बाद भी ये डिटेल्स पूछ रहा है, मैं डिटेल फिर से लगाता हूँ उसमें। सो स्टूडेंट्स, मैंने जो है अपना ये डाटा भर दिया। मैं सेव पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है, फिर से चक्री घूमती है, फिर से नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये अपना फोटो वगैरह मांग रहा है, तो फिर से लगाते फोटो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, नीचे सेव पे क्लिक कर दिया। आप इधर से अपने डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हो कि सही लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे इंटरनेशनल रिलेशन, फिर प्रोग्राम जैसे BA इंटरनेशनल, ठीक है, इसके लिए इतने परसेंट मार्क्स, एलिजिबिलिटी वगैरह वगैरह दे रखा है। ओके, देन पेपर कोड, सी सिटी स्कोर डालना है, जैसे मेरा इस बच्चे का जो है 377 है। ओके, प्रेफरेंस, ओके अपडेट, प्रेफरेंस में क्या डालें, केमिस्ट्री डालते हैं। अपडेट पे जैसे आप क्लिक करते हैं, फिर आपको एडिट मोर पे क्लिक करना है, फिर अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, इंटरनेशनल रिलेशन, फिर BA इंटरनेशनल, ठीक है, इसके अंदर आप एलिजिबिलिटी पढ़ ले, देन फिर से ये, फिर से स्कोर। हेलो स्टूडेंट, आप ये प्रेफरेंस बिल्कुल ठीक से डालें, ठीक है। उसके बाद कंफर्म जैसे एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करें, ओके पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये बोल, उसके बाद अपना जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करें। मेरा पूरा फॉर्म फिल हो चुका है, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ अब। ओके, फिर से ओके मांग रहा है, फिर से मैंने ओके क्लिक किया। यहाँ पे आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना, आपको यहाँ पे ऑप्शन तो हो रहा होगा लेकिन ये ब्लर है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई फीस पेमेंट नहीं करना। अब करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यार, हमने एक सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर रखा है ओनली फॉर 6,999 रुपए में, गारंटेड CUCET एडमिशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एक नंबर पे, उस पर जाके क्लिक करके पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीन शॉट और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सअप कर दे। गारंटेड एडमिशन है, ठीक है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ठीक है। CUCET में एडमिशन मिल रहा है तुम्हें, गारंटेड एडमिशन, ठीक है ना, 1,001% गारंटी के एडमिशन, 100% जीरो मार्क्स पे भी कराते हैं, 300 पे भी कराते हैं, 377 पे भी कराते हैं। किसी को अगर इंटरेस्ट हो CUCET में एडमिशन चाहिए तो नीचे लिंक पे पेमेंट करें, या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक अकाउंट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये मिशन CUCET का सीरीज फर्स्ट था, ऐसे ही सीरीज मिशन CUCET चलेगा 1 महीने तक, जिसके अंदर आप सभी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करवा देंगे 1,001% गारंटी के साथ। इसके लिए आपको जस्ट पेमेंट करना होता है अगर आपको सब्सक्रिप्शन प्लान में चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो सीट लेफ्ट कर देते हैं और उनकी हम डायरेक्टली फिलिंग करवाते हैं सीट्स की। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गेट एडमिशन इजिली। थैंक यू।